Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि धरने का मामला फामो तफसीम से हल हो जाएगा। कराची के हालात बदतर हो चुके हैं, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब वजीर आजम इमरान खान को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे पास आओ तो इस्तीफा लेकर आओ, बेमायने आने की जरूरत नहीं। पूरी कौम के सामने खड़े होकर ये कहने का हक मुझे पहुंचता है, तुम्हें नहीं, कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको कोई एनआरओ नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद वालिद मेरा सब कुछ है। सियासत तो सारी जिंदगी चलती रहती है मगर वालदैन दोबारा नहीं मिलते। मरियम नवाज का कहना है कि पहले वालिद की सेहत है, सियासत बाद की बात है। बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत फिक्र होती है और कंसर्न होते हैं। लेकिन मियां साहब को अगर बिल्कुल उनकी जिंदगी का मसला है और बहुत क्रिटिकल है, तो उनको जहां दुनिया में उनका इलाज है उनको जाके अवेल कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध पुलिस की जानिब से असाज़ा पर तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरुजी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरुजी is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरुजी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311, एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मामले सेहत जफर मिर्जा ने मेडिकल बिल 2019 पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा कि मेडिकल के शोबे को दुकानदारी बना दिया गया है, ये लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि धरने का मामला अफ़ाम व तफ़सीम से हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मामले सेहत जफर मिर्जा ने मेडिकल बिल 2019 पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि हुकूमती रुकन डॉक्टर रमेश कुमार ने मेडिकल बिल की बाज़ शिकों पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कानून साजी से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट की राय को अहमियत देनी चाहिए। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझसे भी मशवरा कर लेते। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर रमेश कुमार को झाड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने रमेश कुमार को हिदायत की कि वो अपनी निशस्त पर बैठे और ब्रीफिंग सुने। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेडिकल के शोबे को दुकानदारी बना दिया गया है। ये लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं, ये लोग अपने मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं और बोर्ड के मेंबर भी हैं। मेडिकल के शोबे में इस्लाहात लाकर उनका क़िबला दुरुस्त करना है। इजलास के दौरान पीटीआई के अरकान की जानिब से आज़ादी मार्च से मुतालिक अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर फिक्र न करें, धरने का मामला अफ़हाम व तफ़सीम से हल हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ मेरा साथ दें, ज़खीरांदोज़ों ने मुल्क में मस्नूई महंगाई की हुई है। कराची से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के सामने कराची के वसाइल का जिक्र किया गया, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची के हालात बदतर हो चुके हैं, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताया, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ओपोजिशन जमातों के आज़ादी मार्च जारी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपने बहन की मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई और ये सियासतदानों से कहते हैं कि उन्हें NRO नहीं देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ओपोजिशन जमातों के आज़ादी मार्च जारी है और धरने के शुरका सर्द मौसम के बावजूद H9 ग्राउंड में मौजूद है। अपने खिताब में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपनी बहन की मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई और ये सियासतदानों से कहते हैं कि उन्हें NRO नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज इस स्टेज पर मुझे ये कहने का हक पहुँचता है कि अब हम इस हुकूमत और वज़ीर आज़म को NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हमशीरा ने 60 अरब रुपये दुबई के बैंकों में कैसे रखे, वो कौन सी कुव्वत है जिसने धांधली के जरिए उसको कुर्सी तक पहुँचाया। राजों की हमशीरा, उसने दुबई में 60 अरब के सरमाया बैंकों में कैसे पैदा किया, कहां से वो पैसा आया और तुमने एमनेस्टी के जरिए अपनी बहन के 7 अरब डॉलर के गबन को छुपाने की कोशिश की है। यह है NRO जो तुमने अपनी बहन को दिया है और जिसके लिए आप सियासतदानों से कहते हैं हम आपको NRO नहीं देंगे। इसलिए आज इस पूरी कौम के सामने खड़े होकर ये कहने का हक मुझे पहुंचता है, तुम्हें नहीं, कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको कोई NRO नहीं देगा। कुछ बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। वालिद का जहां भी दुनिया में इलाज मुमकिन है उन्हें जाना चाहिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। लाहौर के एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस में पेशी के मौके पर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इस मौके पर सहाफी ने सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए कब बाहर जा रहे हैं। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं, बहुत खराब है। वालिद का जहां भी दुनिया में इलाज मुमकिन है उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के जाने के बाद वालिद मेरा सब कुछ है, सियासत तो सारी जिंदगी चलती रहती है मगर वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। देखिए, सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलती। और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ और उनके मामलात में खुद देखती हूँ। तो मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी और सेहत की फिक्र, क्योंकि वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए तैयार है। मेरा नाम ECL में है, मैं सफर नहीं कर सकती, पासपोर्ट अदालत के पास है, इसलिए वालिद के साथ उनके इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। साबिक वजीर आजम की साहबजादी ने यह भी कहा कि ECL से मेरा नाम निकलवाने के लिए कानूनी मामला मेरे चचा शहबाज शरीफ देख रहे हैं। गुज़िश्त बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत फिक्र होती है और कंसर्न होता है। लेकिन मियां साहब को अगर
बिल्कुल उनकी जिंदगी का मसला है और बहुत क्रिटिकल है, तो उनको जहां दुनिया में उनका इलाज है उनको जाके अवेल करना। खबर शामिल करेंगे पीटीआई के रहनुमा खुरम शेर जमान कराची प्रेस क्लब के बाहर जारी साजा के धरने में शरीक हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो करेंगे उनके साथ भी यही रवैया होगा। अगर माओ बहनों के साथ ये रवैया रखा गया आप भी एक दिन फुटपाथ पर होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमात ने कहा है कि सिंध पुलिस की जानिब से असाजा पर तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल की सख्त अल्फाज की मुजम्मत करते हैं। पीटीआई रहनुमा कराची प्रेस क्लब के बाहर जारी असाजा के धरने में शरीक हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो करेंगे उनके साथ भी यही रवैया होगा। अगर माओ बहनों के साथ ये रवैया रखा गया आप भी एक दिन फुटपाथ पर होंगे। मुराद अली शाह सिंध हुकूमत चलाने में नाकाम हो गए हैं, हर शोबे में अरबों रुपए की करप्शन है। उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली में वजीर आला नहीं आते, हमारे सवालात के जवाबात नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो एहतजाज हो रहा है वो जायज है और यहाँ जो उस्ताद बैठे हैं वो नाजायज है। मुराद अली शाह यहाँ आए और उनसे मुज़ाकरात करें। मैं मुराद अली शाह साहब आपके कल के एग्जाम की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने यहाँ पर आपने यहाँ पे जो हरकत कल की है, जो आपने अपना जोर इस्तेमाल किया है सिंध पुलिस के ज़रिए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और याद रखें मुराद अली शाह साहब कि जो कुछ आप करेंगे ना यही सलूक आपके साथ होगा। वो दिन मत भूलेंगे एक दिन आप भी यही फुटपाथ के ऊपर बैठे होंगे और आपके साथ भी यही सलूक होगा जो आपने सिंध के बच्चों के साथ, जो आपने यहाँ पर उस्तादों के साथ किया। हम डिमांड करते हैं मुराद अली शाह साहब आपसे, जो कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हालाँकि आप नाकाम हो गए मुकम्मल तौर पर। मुराद अली शाह साहब आप पूरे सूबे सिंध के अंदर हुकूमत चलाने में नाकाम हो गए हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो आपका, चाहे वो आपका लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी कर्मचारी बाकी एक्साइज जैसी दूसरी मिनिस्ट्री हो। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Bhai umma ke muhafizon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Tara Tanaka, Kokab Farooqui, Zulfiqar, Tuba Shakil, Tag TV Pakistan.